हेलो फ्रेंड, अभी जानते हैं हम लोग जो स्टीम लाइन में डी सुपर हीटर कैसे वर्क करता है। ये हमारा स्टीम कॉन्डेंसेट टैंक है, तो इसमें स्टीम कॉन्डेंसेट भरा रहता है और ये हमारा मल्टी स्केज हाई प्रेशर पाम है। तो पाम का थ्रू हम स्टीम लाइन का ऊपर फ्लाशिंग करेंगे, तो इसका मैक्सिमम प्रेशर 12 kg है। तो स्टीम लाइन का जो आ रहा है हमारा स्टीम हीटर से बाहर पावर प्लांट से, वो आ रहा है 11 kg समथिंग प्रेशर है और टेम्परेचर 175 अबव है। तो उसको डाउन करके हम लोग 145 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 7 to 8 kg के अंदर लाएंगे। तो देखिए, ये हमारा टीसी भी है, डिस्चार्ज लाइन में स्टीम कॉन्डेंसेटर में लगा रहता है, ये ऑटो में रहता है। इसको ऑटो में हम 145 डिग्री सेट कर देंगे तो अपने आप वो अप एंड डाउन होगा और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ये हमारा डी सुपर हीटर है, तो इस अभी हम लोग देखेंगे इसका अंदर। ये देखिए फ्रेंड, डी सुपर हीटर का अंदर ऐसा जो लाइन आया है 20 का, इसका अंदर स्प्रे नोजल लगा रहता है जो कि हाई प्रेशर से आके स्टीम का ऊपर कंटिन्यू फ्लाशिंग करता रहता है, तो इसीलिए टेम्परेचर डाउन हो जाता है और प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है।